जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी आप लोग यहाँ पर होम स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे डिवाइस जो है यहाँ पर पोको M4 Pro 4G है और इसके अंदर मैं MIUI 14 का जो है यूज़र इंटरफेस यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ किस में MIUI 13 में। बस यहाँ पर लोगो चेंज हो चुका है बट वर्जन आप देख लो एंड्रॉयड 12 और MIUI 13 यहाँ पर देखने को मिलता है। बट मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा दूँ, आप ये लेआउट देखो MIUI 14 का देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा लेआउट आप लोग थीम से भी लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हमने यहाँ पर सेटिंग एप्लीकेशन को अपडेट किया। अब ये सेटिंग एप्लीकेशन मेरे पास कहां से आया ये भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर देने वाला हूं इस वीडियो में। तो लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे कि ये दोस्त हैं या सब्सक्राइबर जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हो, इनके पास यहाँ पर Redmi Note 10 ग्लोबल वाला वेरिएंट है। और आपकी इन्फॉर्मेशन बता दूँ, Redmi Note 10 ग्लोबल वर्जन के लिए जो है MIUI 14.0.1.0 के नाम से जो है ऑलरेडी अपडेट ग्लोबल में रिलीज हो चुका है एंड्रॉयड 12 के ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लगभग एक हफ्ते पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि Redmi Note 10 के लिए ग्लोबल में MIUI 14 का अपडेट यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारे ग्लोबल के सब्सक्राइबर है यहाँ पर, जिनका नाम आप देख सकते हो W लिखा हुआ है। इनसे मैंने कहा कि आप अपने डिवाइस में से जो है ना मुझे सेटिंग एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट करके मेरे पास प्रोवाइड कर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर वीडियो बना सकूँ। तो इनका यहाँ पर ये देखो, इन्होंने मेरे पास एप्लीकेशन भी शेयर कर दिया है, इन्होंने एप्लीकेशन को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और मेरे पास शेयर किया 164.6 MB का देखने को मिलता है। और ये Redmi Note 10 ग्लोबल रोम का जो है आपको APK देखने को मिलता है और ये सेटिंग एप्लीकेशन का यहाँ पर जो है APK प्रोवाइड किया गया है। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये आपको कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। और जैसे कि अगर आप इसको डाउनलोड कर लोगे और फाइल मैनेजर में सेव कर लोगे तो ये 172.55 MB का यहाँ पर शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब इसका यूजर इंटरफेस तो आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पर बढ़िया यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है, काफी बढ़िया, क्योंकि MIUI 14 का जब अपडेट आएगा तो आपको जो है ना सेटिंग एप्लीकेशन का जो UI है कुछ ऐसा ही यहाँ पर ऐसा देखने को मिलने वाला है जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट इस चीज का फायदा पहले ही उठा सकते हो सेटिंग एप्लीकेशन को अपडेट करके, जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर ने मदद करी है हमारे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पर शेयर करके, उनके पास Note 10 था तो आराम से वो एप्लीकेशन मिल गया मेरे को, ये चीज आप देख सकते हो। और इसमें बट एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने इसके अंदर नोटिस करी है इसको अपडेट करने के बाद, वो है कि यहाँ पर वाईफाई के ऊपर हम जब भी क्लिक करेंगे देखोगे कि होम स्क्रीन ऊपर आ जाएगा। ये देखो मैं दोबारा वाईफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये होम स्क्रीन पर आ जा रहा है, फिर मैं वाईफाई पर क्लिक करूंगा ये होम स्क्रीन पर आ जाएगा और ऐसा इशू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये इशू भी देखने को मिल रहा है। हालांकि आप लोग वाईफाई को जो है कंट्रोल सेंटर से यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, बट जैसे अगर आप लोग इसके ऊपर प्रेस करके रखे रहोगे तो ये नहीं होता है, आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ जाता है। तो ये इशू यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वाईफाई का इशू है। ये देखो ये अभी थोड़ी देर पहले खुला था फिर बंद हो गया, ये देखना अभी मैं दोबारा खोल कर देख लेते हैं, इसको नहीं हो रहा है अब ओपन, इसके ऊपर भी प्रेस करके देख लेते हैं तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। तो ये इशू देखने को मिलता है इस सेटिंग एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद, वाईफाई को आप लोग यहाँ से सेटिंग से ओपन नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा इशू है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक फीचर और देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पहले स्पेशल फीचर का नाम से आता था वो चीज़ यहाँ से हट गई है, वो एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो कि MIUI 14 के अंदर यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको फ्लोटिंग विंडो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो। तो कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस आपको दिया गया है, तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलती है। और मेमोरी एक्सटेंशन कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और भी सबसे बड़ा फीचर आपको मैं बता दूं जो कि है यहाँ पर फिंगरप्रिंट, नया एनिमेशन लेके आया अपने साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसके ऊपर से जरा लॉक स्क्रीन लगा दिया जाए। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं ऐड फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा कुछ इस तरह की स्कैनिंग वगैरह भी करेगा ये, और स्कैनिंग वगैरह करने के बाद जो है यहाँ पर मैं एक बार दोबारा पासवर्ड डाल देता हूँ फिर नेक्स्ट करूँगा, तो आप देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस अपने साथ ये लेके आता है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मस्त लगता है देखने में, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो ये चीज़ है। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना थंब लगाऊंगा ना, अभी देखना इसमें एक अलग ही यूज़र इंटरफेस यहाँ पर आने वाला है फिंगरप्रिंट का, ये देखो कितना यहाँ पर मस्त आपको देखने को मिलता है। तो ये फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है ना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मस्त देखने को मिलती है, ये देखो कितना ज़बरदस्त आपको एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगी, ये नया सिक्योर जो सेटिंग एप्लीकेशन इसको अपडेट करने के बाद काफ़ी स्मूथ आपको जो है ये लेआउट देखने को मिलता है और काफ़ी मस्त लगता है ये देखने में, आप देखो तो कितना ज़्यादा कमाल का ये लेआउट है यहाँ पर। ये बस सिंपली ऐड कर सकते हो और कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये एक नया लेआउट यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बट इसमें सबसे बड़ा बग मैंने आपको बता दिया कि वाईफाई यहाँ से आप ऑन नहीं कर सकते, आपको कुछ इस तरह का इशू शो कर दे रहा है और बाकी यहाँ पर MIUI 14 का लोगो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलती है, बट अपडेटर के अंदर आपको 13 का ही लोगो देखने को मिलेगा, ये चीज़ है इसके अंदर। इशू वही है कि वाईफाई ओपन नहीं हो रहा है, आप चेक कर लेना, क्या पता आपके में वाईफाई यहाँ पर ओपन हो रहा हो बट अपने डिवाइस में यहाँ पर नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमारे सब्सक्राइबर ने शेयर कर दिया है, और इसको आपको जो है डाउनलोड कहाँ से करना है मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा टेक्नोवल अमित के नाम से होगा टेलीग्राम चैनल,
लिंक से ज्वाइन नहीं होता तो चैनल का नेम सर्च कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पे आके। तो चैनल का नेम सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी एपीके मिल जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे Xiaomi MIUI अपडेटर, इस लिंक पे भी क्लिक करोगे तो आप लोग हमारे यहाँ पर एपीके वाले चैनल पे पहुँच जाओगे, जहाँ पर हम सिर्फ एपीकेज वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एपीके प्रोवाइड कर दूंगा। तो बस फिलहाल बस इतना ही था इस वीडियो में। बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोग को जो है ये नया यूजर इंटरफेस कैसा यहाँ पर लग रहा है। मुझे ठीक लग रहा है, ओवरऑल ठीक है, मुझे ये बढ़िया लगा यहाँ पर। बाकी आप लोग नीचे अपना ओपिनियन बता सकते हो। बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वाईफाई के अंदर यहाँ पर इश्यू दे रहा है। तो बस इतना था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।